थैंक्स श्रीराम, थैंक्स राजेश, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट। यार सलोनी की पार्टी में ना मैं सुबह से भूखा रहता हूँ, बहुत प्यासा भी। वैसे भी तुझे तो मुफ्त का खाना और दारू पीने की आदत है। बस बस अगर मजाक खत्म हो गया ना तो केक मंगवाते हैं, और कितना वेट कराओगी यार। ठीक है अभी मंगवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, केक प्लीज। कितना मस्त केक है यार, मेरा तो मन कर रहा है कि देखती रहूं। इसे ना केक का फोटो खींच के दे देते हैं, ये देखती रहेगी और हम लोग खाते हैं। इतने हसीन पल को मैं अपने मोबाइल में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। और फिर भी जो करना है जल्दी कर यार। चेहरा छुपा हुआ था, पता नहीं चला यार। लेकिन इन्होंने सलोनी को किडनैप क्यों किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें? राइट लेके नीचे आइए सीधा। नमस्ते सर। तुम लोगों ने फोन किया था ना? जी सर। कहाँ है लाश? सर वहां पे नीचे। चलो देखते हैं। लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं लगती है। हाँ सर, टीनेजर होगी, 18-19 साल की। लगता है इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए खूनी ने पूरी तरह से इसका चेहरा बिगाड़ दिया। लेकिन सर इस लड़की को हाथ बांधकर यहाँ डाला गया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? किडनैपिंग का केस हो सकता है। लगता है सर मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो लड़की को मार के यहाँ डाल दिया। हो सकता है सर, इस लड़की के कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ये किसी अमीर घर की होगी। जरा पलटो से। सर पे चोट है, लगता है किसी हथियार से इसके सर पे मारा गया है। तो देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? इस हादसे के बारे में आप लोगों को कब पता चला? कुछ देर पहले ही, हम यहाँ से गुजर रहे थे तभी हमने नीचे लाश देखी। फिर? सर हम बहुत घबरा गए थे और तुरंत आपको फोन किया। अच्छा इसके अलावा कुछ और देखा यहाँ पे? किसी गाड़ी को या किसी आदमी को? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है। इस पर्स पे ये ड्राइवर्स लाइसेंस मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस? एड्रेस क्या है? हाँ आ रहा हूँ। हाँ खोल रहा हूँ बाबा। जी कहिए। हमें मिस्टर सिद्धार्थ से मिलना है। आप? सीआईडी। आइए। आइए आप लोग। सर जी अभी आ रहे हैं।
सर, ये लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करने आए हैं। सीआईडी? क्यों भाई, हमने कोई खून किया है क्या? मिस्टर सिद्धार्थ, हमें आपकी बेटी सलोनी के बारे में कुछ बात करनी है। ओह, सलोनी? क्यों, उसने कुछ किया है? उसने कुछ नहीं किया, मगर उसके साथ कुछ हुआ है। सलोनी के साथ क्या हुआ है उसके साथ? वो ठीक तो है ना? अरुण, ये मेरे को। ओके सर। ये मेरी बीवी है और ये नीलेश है, मेरा भरोसेमंद सेक्रेटरी। आप बेखौफ होके कह सकते हैं सलोनी ठीक तो है ना? सिद्धार्थ जी, बहुत दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी सलोनी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? सलोनी की मौत हो गई है? जी। क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? क्या प्रूफ है आपके पास? हमें जो डेड बॉडी मिली है उसके साथ हमें ये आईडी प्रूफ मिला है। और इस सुनसान जगह पर सलोनी की बॉडी मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, इस डेड बॉडी का चेहरा कुचला गया है, पहचानने में भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि ये मेरी बेटी सलोनी की बॉडी है? इस लाश पे जो कपड़े हैं उसे तो पहचानते हैं ना, जरा गौर से देखिए। हाँ, ये वही कपड़े हैं जो सलोनी ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए खरीदे थे। सिद्धार्थ, ये सलोनी ही है। But this is impossible. वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? कैसे हो गया? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आपकी मदद चाहिए। सर जी, आज आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हाँ, उसे कैंसिल मत करना, मैं उसे जरूर अटेंड करूंगा। यस सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? आपने आखिरी बार अपनी बेटी सलोनी को कब देखा था? शायद उसके बर्थडे वाले दिन, उसी सुबह में। और रात को जब वो पार्टी के लिए गई तो मिलके गई थी आपसे? हाँ, मुझसे मिलके गई थी और पार्टी के लिए मुझसे पैसे भी ले गई। कितने पैसे? 50,000 रुपए। पर हमें तो हैंडबैग में पैसे मिले ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये पार्टी हुई कहाँ थी? पिंक डायमंड होटल। पिंक डायमंड होटल? जब देर रात तक आपकी बेटी घर वापस नहीं आई तो आप लोगों को फिक्र नहीं हुई? कोई नई बात नहीं, वो अक्सर रात भर बाहर रहती थी अपने दोस्तों के साथ और सुबह होते ही वापस आ जाती थी, इसलिए मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखा। क्या आप सलोनी के किसी दोस्त के बारे में जानते हैं जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी? नॉट रियली, मैं उसकी कोई भी फ्रेंड को पर्सनली नहीं जानता था। उसने कभी मुझसे मिलाया नहीं और मैंने कभी उससे पूछा नहीं। लेकिन मैं एक आध फ्रेंड्स को जानती हूँ। अच्छा, उनका नाम और नंबर नोट कर लो और उन्हें सीआईडी ब्यूरो बुलवाओ। तो तुम सभी सलोनी के दोस्त हो, है ना? यस सर। और तुम सभी सलोनी के बर्थडे पार्टी में गए थे, तो फिर तुम लोगों को ये भी पता होगा कि सलोनी का खून हो गया है। हाँ सर, पर यकीन नहीं हो रहा है। सर, उस वक्त भी वो बहुत खुश थी, इंजॉय कर रही थी, और पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वही तो, ये अचानक से कैसे हो गया, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। सलोनी घर जाने के बजाय उसकी लाश हमें उन झाड़ियों में कैसे मिली? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता, कोई ऐसी चीज जिससे हमें इस केस में मदद मिल सके, तो प्लीज हमें बता। सर, सलोनी तो केक काटने ही वाली थी, तब अचानक होटल में दो लोग बंदूक के साथ घुसे। सर, एक बार हवा में फायरिंग की, धमकी दी और फिर उसके बाद सलोनी को किडनैप करके ले गए। क्या? वो दो गुंडे हवा में फायर करके सलोनी को उठाकर ले गए? किडनैप किया सलोनी को? और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं, कौन थे वो लोग? तुमने देखा तो होगा। सर, हम उन्हें नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। मास्क पहन रखा था? अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, कोई फोटोज खींच रहा होगा पार्टी में? हाँ सर, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी। गुड, दिखा।
इतना सब हुआ और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया? सर, हमने सलोनी के पिताजी को सब बताया था। फिर क्या कहा सलोनी के पिताजी ने? सर, उन्होंने कहा कि इस किडनैपिंग के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये किडनैपिंग नकली है। फिर इसका मतलब है वो इस किडनैपिंग के बारे में जानते थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी हमसे सब छुपाया। सर वही तो, क्यों छुपाई ये बात उन्होंने हमसे? और इतना ही नहीं सर, उन्होंने तुरंत बाद अपने सेक्रेटरी को रेस्टोरेंट भेजा। एक्सक्यूज मी, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यहां थोड़ी देर पहले जो किडनैपिंग हुई है उसको लेकर आप सब लोग डिस्टर्ब हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सबके सामने बंदूक दिखाकर एक लड़की को दो गुंडे किडनैप करते हैं और आप कह रहे हैं कि वो किडनैपिंग फेक थी, एक ड्रामा था। क्या? जी हाँ, उस लड़की का नाम सलोनी है और उसने ये किडनैपिंग खुद करवाई है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? अपने परिवार को चौंकाने के लिए उसने ये खेल रचा। लेकिन आप चिंता मत करिए, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है, शी इज ऑल वेल। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस हादसे को भूल जाइए और किसी से इस बात की चर्चा भी ना करें। चलो अच्छा है सर, आपने सब बात क्लियर कर दी। क्या आप एक मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? चलिए। जी सर। इस ब्रीफ केस में मिस्टर सिद्धार्थ ने आपके लिए पैसे भिजवाए हैं। मिस्टर सिद्धार्थ? जी हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और सलोनी उनकी बेटी है। वो चाहते हैं कि आप और आपका स्टाफ अपना मुंह बंद रखे, वरना उनको मजबूरन ये रेस्टोरेंट हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ जाएगा। लेकिन आप? मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी निलेश। मिस्टर सिद्धार्थ ने पैसे खिलाकर सबका मुंह बंद करवाया? वही तो, क्यों? ऐसी क्या वजह हो सकती है, ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है सर? वो तो इस सिद्धार्थ से ही उगलवा लेंगे फ्रेडी। कुछ पता चला ऑफिसर? पता तो तब चलेगा ना जब आप पता चलने देंगे मिस्टर सिद्धार्थ। सच सच बताइए, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? What nonsense! मेरी समझ में नहीं आता है कि आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं मिस्टर ऑफिसर। यही कि आपने अपनी बेटी सलोनी के अगवा होने की बात हमसे छुपाई क्यों? मिस्टर सिद्धार्थ, आप जानते थे कि कल रात आपकी बेटी का किडनैप हो, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि आपको कुछ नहीं पता। What? किडनैप? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता? इसीलिए आपने अपने सेक्रेटरी निलेश को वहां पार्टी में भेजा और इस निलेश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर सलोनी के दोस्तों को चुप रहने को कहा और वहां होटल के स्टाफ को पैसे खिलाकर मुंह बंद रखने के लिए कहा। क्या कहा था या नहीं? इन्हें क्या देख रहे हो? इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। तुम पहले ये बताओ, तुमने कहा था या नहीं, वरना। यस सर, मैंने ये सब कुछ सिद्धार्थ सर के कहने पर किया। क्यों किया आपने ऐसा? एक बाप को अपनी ही बेटी की किडनैपिंग की बात को छुपाने की क्या वजह हो सकती है? आप जानते हैं, आपके इस बात को छुपाने की वजह से ही सलोनी की मौत हो गई। मौत नहीं हुई ऑफिसर, मौत नहीं हुई है। सलोनी मरी नहीं है, मेरी बेटी सलोनी जिंदा है और वो किडनैपिंग भी एक नाटक है। नाटक है? हाँ नाटक। मैं नहीं चाहता था कि सलोनी की झूठी किडनैपिंग की बात मीडिया में उछाली जाए, क्योंकि सलोनी का किडनैप सलोनी ने खुद करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ? सलोनी भला खुद को किडनैप क्यों करवाएगी? क्योंकि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, सर फेरी और बददिमाग, और इसमें किसी का कसूर नहीं, इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। मेरे ही लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ा है। यानी ऐसा पहले भी हो चुका है? हाँ, वो ऐसे अजीब और गरीब मजाक हर आए दिन करते रहे। पर मिस्टर सिद्धार्थ, हमें सलोनी की डेड बॉडी मिली, ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? प्लीज, वो सलोनी की डेड बॉडी नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कल रात हमें रैंसम के लिए कॉल आया था। रैंसम कॉल? हाँ।
ransom gone. उन्होंने 10 करोड़ की मांग की है और जिस नंबर से फोन आया था वो सलोनी का ही है. जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहा गया है वो अकाउंट भी सलोनी का ही है, लंदन वाला अकाउंट. और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सारी हरकत सलोनी की है. उसने कई बार मुझसे पहले भी ऐसे ही पैसे मांगे थे. वो लंदन सेटल होना चाहती थी पर आपने पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए आपसे पैसे निकलवाने के लिए उसने खुद की किडनैपिंग का ये नाटक रचा. जी हाँ. तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ये सब नाटक किया. उसका प्लान फेल क्यों हुआ ये देखना पड़ेगा. सारंगे क्या खबर है? बुरी खबर है. अरे यार कभी तो अच्छी खबर दिया कर सारंगे. अच्छा बता, चल बुरी खबर बता. ये लड़की सलोनी नहीं है. क्या पूरी यकीन के साथ कह रहा है? अरे यार कभी तो यकीन किया करो ना मुझ पर. यार सर सर इस लड़की की उम्र, इसके शरीर का ढांचा सब कुछ सलोनी जैसा है, लेकिन इसका डीएनए सलोनी के डीएनए के साथ मैच नहीं करता. और आप लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक सलोनी की हाइट थी 5'4", जबकि इस लड़की की हाइट है 5 फुट भी नहीं. सर मतलब मिस्टर सिद्धार्थ सही कह रहे थे, सलोनी मरी नहीं है. अगर ये सलोनी नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है? और सर इसने सलोनी की ड्रेस क्यों पहनी थी? और कुछ मिला सर उनके? हाँ, इस लड़की के सर के पीछे की तरफ किसी वजनदार हथियार से वार किया गया. सर मुझे लगता है कि जरूर इन दोनों केसेस के बीच में कोई कनेक्शन है. हाँ पूरी, सलोनी का फोन लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं सर, उसका फोन बंद आ रहा है. फोन बंद आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसने फोन बंद रखा है? रजत उस सलोनी की बर्थडे पार्टी की रिकॉर्डिंग फिर से देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाएगा. रजत एक मिनट, वो आदमी जो पीछे बैठा है वो जूम करो उस पर. सर ये सलोनी को ऐसे क्यों देख रहा है? इसने किसी से कुछ कहा, शायद कुछ इशारा किया सर. हाँ जरा फिर से रिवाइंड करो, दिखा गौर से देखो, होठों को देखो. देखो कह रहे हैं ना अंदर आओ. सर कहीं ये आदमी भी इस पूरी किडनैपिंग में शामिल तो नहीं? इससे मिलना तो पड़ेगा रजत. सर इस आदमी के बारे में हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर से पता चल सकता है? हाँ वो तो बताएगा ही, पर इस रेस्टोरेंट मैनेजर ने हमसे ये बात पहले क्यों छुपाई? मैंने किया क्या है सर? सच छुपाया आपने. कौन सा सच? सलोनी के किडनैपिंग का सच. क्या कहा आपने? सर शायद इन्हें ऊंचा सुनाई देता है. हाँ मिस्टर सिद्धार्थ के दिए हुए पैसे ने शायद तुम्हारे कान और मुंह दोनों बंद कर दिए. हाँ मिस्टर सिद्धार्थ आप उनको मिल चुके हैं उनसे. अब बोलो तुम्हारे होटल में से सलोनी का किडनैप हुआ है और तुमने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? सर इन बड़े लोग और पुलिस के बीच में हम फंसना नहीं चाहते थे, और आप तो जानते हैं ये बड़े लोग के अगेंस्ट गए तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं. तुम्हारे इस डर की वजह से सलोनी की मौत हुई है. सलोनी का खून हो गया? जी हाँ, अगर आपने उसकी किडनैपिंग के बारे में हमें पहले बता दिया होता तो शायद हम उसे बचा सकते थे. सॉरी सर मैं अनजान था सर. खैर चलो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे. जी जरूर सर. सचिन सर. सर भाई साहब जरा इस मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए. अच्छा मैनेजर साहब जरा ध्यान से देखिए, ये सलोनी के टेबल के पीछे वाली टेबल, ये आदमी कौन है इसे पहचानते हैं आप? मैं इसे पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे रेस्टोरेंट में पहले भी 2-3 बार आ चुका है और उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी. तो इनकी डिटेल्स भी होंगी आपके पास? हाँ है ना मैम. दीजिए. जी ये रहा सर, उसका नाम अविनाश है. अविनाश, नाम तो पता चल गया, अब इस बैंक से डिटेल्स निकालते हैं.
हमारी लक्ष्मी पढ़ाई लिखाई कढ़ाई बुनाई सिलाई सब अच्छी तरह से जानती है। और जी इकलौता बेटा है हमारा, सुशील संस्कारी बहू मिल जाए और हंसी खुशी दोनों का घर बस जाए, और क्या चाहिए हमें? बस और क्या, अरे हम लोग समधी बन जाए बस। ए, लड़की वाले आए हमारे दूल्हे को देखने के लिए, क्या बात है जी आप लोग? अरे हम अविनाश के दोस्त है, आपने पिताजी को बताया नहीं कि मैं बताऊं? बाबा मैं इन्हें जानता हूँ, आप सब दो मिनट बैठिए मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। आप यहाँ? सलोनी का? कौन सलोनी सर? अच्छा कौन सलोनी? एक लड़की की जिंदगी खत्म करके दूसरे के साथ घर बसाने जा रहे तुम? बताए ने कि किडनैपिंग के पैसे से शादी करने वाला तू? बताता हूँ सर। बोल। सलोनी का अपहरण तूने किया है ना? हाँ सर, लेकिन किसी के कहने पर। किसके कहने पर? सलोनी के कहने पर सर। तुम्हें क्या हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, सर मेरी जिंदगी का सवाल है सर। अच्छा सलोनी खुद की किडनैपिंग क्यों करवाएगी? वो तो मुझे पता नहीं, मुझे तो उसने रेस्टोरेंट में बुलाया और नोटों की गड्डी मेरे सामने रख दी और मुझसे मदद मांगी। कैसी मदद? उसके झूठे अपहरण का नाटक करने की सर। फिर मैंने सर स्ट्रगलिंग एक्टर को बुलाया किडनैप करने के लिए, पैसे का लालच दिया उनको और फिर उन्होंने किडनैप किया उसका। किडनैप करने के बाद सलोनी को कहाँ रखा? सर सलोनी के बताए हुए एड्रेस पर, केशव नगर में कोई बंगलो है सर जो बंद पड़ा हुआ है। यस मैम आपका किडनैप हो गया, बधाई हो बधाई, आपका प्लान सक्सेस हुआ। प्लान तो अब शुरू हुआ है, वैसे आप लोगों ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, थैंक यू। अरे हाँ ये रहा आप लोगों का इनाम, आप लोग जा सकते हैं, बाय। अरे अविनाश तुम रुको, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये लो। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो वरना। ये क्या मैम? अरे ये वो डायलॉग है जो तुम्हें मेरे डैड को फोन पे कहना है। नहीं नहीं मैम मैं नहीं कर सकता, अगर आपके डैड ने अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैं तो फंस जाऊंगा ना मैम। अरे डरपोक, ये लो मेरे फोन से फोन करो और इसे ना ऐसे ऐसे रखना ठीक है, कोई तुम्हारी आवाज नहीं पहचाने का। ये लो बात करो जल्दी, अरे नंबर मेरे डैड की, बात करो। हेलो तुम्हारी बेटी सलोनी मेरे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो LI बैंक के अकाउंट नंबर 2456893 में 10 करोड़ रुपए जमा कर दो वरना तुम्हारी बेटी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। और हाँ पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? अरे यार तुम तो कमाल के एक्टर हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी पर अभी नहीं, एक बार पैसे मिलने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं वहां से निकल गया और फिर ना तो कभी उससे फोन पे बात हुई ना कभी उससे मिला। नकली किडनैपिंग को असली साबित करने के लिए सलोनी अभी भी उसी जगह पे होगी, बंद पड़ा हुआ बंगला केशव नगर। इस बंगलों में कोई रहता नहीं है, अगर रहता होता तो बाहर वॉश में जरूर होगा। तो सलोनी ने ऐसी जगह ढूंढी कैसे होगी? और सोच समझ कर उसने जगह ढूंढी है ताकि वो अपने काम भी कर सके और पकड़ी भी न जाए, संभाल के ना मकसद पूरा करने के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। साथ में नहीं जाओ। तो सलोनी है,
मर चुकी है। सर ये तो यहाँ पर छुपने आई थी, फिर ये मरी कैसे? इसका मतलब है किसी और ने अपना प्लान पूरा करने के लिए सलोनी को मार दिया। सर बहुत बेरहमी से मारा इसे, देखिए। इस लड़की की लाश हमें पहले मिली थी, उसे भी इसी तरह मारा गया था, सर पे वार करके। सर इसका मतलब सलोनी का कातिल और उस लड़की का कातिल एक ही है? हो सकता है, सलोनी को यहाँ इस जगह पे मारा और उस पहली वाली लड़की को उस सुनसान जगह पे। ये बात को समझ में नहीं आई। लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाओ। हाँ विनीत। सर ये देखिए खून, लगता है सर यहाँ पर किसी के ऊपर वार हुआ है। लेकिन सलोनी की लाश तो हमें अभी मिली ऊपर कमरे में, और यहाँ घर में वो अकेली थी। सर हो सकता है कि सलोनी को पहले यहाँ पर मारा गया, उसके बाद कातिल ने उसकी लाश ऊपर वहाँ कमरे में छोड़ दी। हाँ अगर सलोनी की लाश को यहाँ इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया है तो खून के निशान कहीं तो होने चाहिए थे, सीढ़ियों के ऊपर, कमरे के बाहर, पर हमें खून के निशान तो कहीं मिले नहीं। तो अविनाश ने हमसे झूठ नहीं बोला है। क्या हुआ सर? ये देखो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 10 करोड़ रुपए, LI बैंक अकाउंट नंबर। सर इसका मतलब अविनाश सब सच बोल रहा था, सलोनी को अगवा करके वो तीनों उसे यहीं पर लेकर आए थे। कमाल की बात है, इस लड़के ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, वो खुद एक षड्यंत्र का शिकार हो गई। कौन कर सकता है ये सब? कौन है जिसे सलोनी के प्लान के बारे में पहले से मालूम था? एक काम करो, ये खून और इस कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट है सब उठा लो। खून का ये सैंपल जो आपको उस घर के तहखाने में से मिला था वो इस लड़की सलोनी का नहीं, बल्कि वो उस लड़की का है, उस अनजान लड़की का जो आपको सुनसान रास्ते के किनारे पर मिली थी। सर उस लड़की का खून बंगलों में कहां से पहुंचा? उस लड़की को भी उसी बंगलों में मारा गया चाहे सलोनी की हत्या हुई। डॉक्टर साहब कुछ और पता चला? हाँ आइए मेरे साथ। ये लड़की जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया गया है, इसके माथे पर ये टांके लगे हुए हैं, शायद कोई पुरानी चोट। कौन बता सकता है इस अनजान लड़की का इतिहास? यकीन नहीं होता, अब भी ऐसा लगता है सलोनी का कोई नया मजाक हो रहा है। मिस्टर सिद्धार्थ अब तो आपको मानना पड़ेगा कि सलोनी अब इस दुनिया में नहीं है। सब मेरी गलती, मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ये सब कैसे हुआ सर? तहकीकात जारी है। क्या आप बता सकते हैं कि सलोनी की कोई दोस्त है जिसके माथे पे स्टिचेस के निशान है? स्टिचेस के निशान? जी हाँ, जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ हो और यहाँ माथे पर चोट का गहरा निशान हो। नहीं मैं ऐसी किसी फ्रेंड को नहीं जानती हूँ। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें पहले मिली थी और इसका खून भी उसी जगह पे हुआ था जहाँ पे सलोनी को मारा गया था, केशव नगर में, बंगलो नंबर 302 में। क्या कहा आपने? केशव नगर के बंगला नंबर 302 जो चेकनगा के उस पार है वो? हाँ वही। आप इस बंगले के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स, वो तो मेरा ही बंगला है, मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके रखा था, मगर वहां कोई रहता तो नहीं था। इसका मतलब है खूनी को पहले से मालूम था इस बंद बंगले के बारे में और उसी का फायदा उठाया उसने। सर खूनी कोई अंदर का आदमी ही लगता है। हाँ लेकिन कौन? सलोनी ने खुद का किडनैपिंग करवाया,
और फिर अपने पिता के खाली बंगले में जाकर छुप गई वो। फिर उसने अपने जैसी एक लड़की का खून किया और उसकी लाश को सुनसान रास्ते के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। मगर किस्मत का खेल देखी, जिसने सारा किडनैपिंग और खून का प्लान रचाया उसी का खून हो गया। किसी तीसरे आदमी ने ही सलोनी को मार डाला, मगर किसने किसने मारा सलोनी को? कहीं वो आदमी तो नहीं जिसकी मदद सलोनी ने ली थी अपना प्लान पूरा करने के लिए? हेलो सर, आपने हमें बुलाया? हाँ सर, खूनी का पता लग गया क्या? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम लोगों से कुछ और पता करना है। तुम लोग सलोनी की किसी सहेली को जानते हो जिसके माथे पर यहाँ चिचिस के निशान हो? नहीं सर, ऐसी किसी लड़की को तो। अरे हाँ, वो लड़की जो उस दिन सलोनी से मिलने आई थी। कौन? वो जो रीटा के आने से पहले आई थी। हाँ वही लड़की थी, उसके सर पे सर यहाँ चोट का निशान था। तुम लोग जानते हो उस लड़की को? सर हम तो उसे नहीं पहचानते, लेकिन उस दिन रात को सलोनी को पार्टी में बार बार कॉल कर रही थी और सलोनी उसका फोन नहीं उठा रही थी। फिर वो लड़की अंदर आ गई और सलोनी ने उसे बाहर वेट करने को कहकर भेज दिया, और थोड़ी देर बाद सलोनी भी हॉल से बाहर चली गई, और बाहर क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, जाओ तुम लोग। सर इनकी बातों से एक चीज साफ है, सलोनी उस लड़की को मिलने से मना कर रही थी, उसको टाल रही थी। लेकिन सर फिर भी वो उस लड़की से मिलने बाहर गई थी। फिर भी वो उस लड़की से मिलने बाहर गई थी, क्यों, क्या हुआ सलोनी और उस लड़की के बीच में? ये तो हमें पिंक डायमंड होटल के सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा। लॉबी एरिया 26 तारीख यानी कल का सीसीटीवी फुटेज बताओ। ठीक है। सर लगता है तो वही पैसे जो मिस्टर सिद्धार्थ ने सलोनी को दिए थे। एक मिनट, एक मिनट, पास करो सर, और इस लड़की के चेहरे पे ज़ूम करो, और ज़ूम करो, उसके माथे पे कुछ निशान है, ले करो। सलोनी इस लड़की से कुछ नाराज लग रही है। ये लड़की रेस्टोरेंट में पैसे लेने आई थी। दोनों में किस बात को लेके बहस हुई कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सर लगता है कि सलोनी इस लड़की को अच्छी तरह से जानती थी। सलोनी के बर्थडे पार्टी में उसके जो दोस्त आए थे वो कह रहे थे कि सलोनी इस लड़की का फोन कॉल उठाने रही थी। इसका मतलब है सलोनी के मोबाइल पे जो मिस कॉल्स हैं उनमें से इस लड़की का नंबर मिल सकता है। हम CID से। जी आइए। आपसे अमृता के बारे में पूछताछ करनी थी। अमृता को जानती है ना? जी सर, वो मेरी रूममेट है, हम दोनों पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रहते हैं। आपका नाम? सीमा। सर पर एक्चुअली अमृता तो घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई थी और अभी तक नहीं लौटी। सीमा, अमृता का खून हो चुका है। क्या? अमृता का खून? सर किसने किया, कैसे और क्यों? वही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए, हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी है। जी, वो रहा कमरा। श्रेया, देखना सर। सर। सीमा, ये अमृता लड़की कैसी है, मेरा मतलब है उसका बर्ताव कैसा है? सर वो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती थी, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, कोई गलत काम भी। कैसा गलत काम? तो ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल किसे? सर उसकी एक फ्रेंड थी, उसे पैसों के लिए वो ब्लैकमेल किया करती थी। कौन सी फ्रेंड थी आपको मालूम है? सर कभी देखा तो नहीं उसे, लेकिन सलोनी नाम की कोई लड़की थी जिससे वो फोन पे बात किया करती थी। किस बात पे ब्लैकमेल करती थी, इसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है? सर ये तो मुझे नहीं पता। मतलब ये अमृता भी कुछ कम नहीं है, ये तो सलोनी से भी दो कदम आगे निकल गई। इस सलोनी की कोई दुखती नस हाथ लग गई होगी इसके, इसका नाजायज फायदा उठा रही थी। सर आशा, सर फोटोज देखिए। सलोनी की फोटो?
सलोनी की फोटोग्राफ समझता क्या घर पे? ये देखा, ड्रग्स, सिगरेट, मतलब ये सलोनी नशा करती थी, ड्रग्स की लत लग गई थी इसे। ताश खेलना, ड्रग्स लेना इसकी कमजोरी थी। अमृता ने ऐसे फोटोग्राफ्स निकाल के उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक मिनट, सलोनी के साथ ये आदमी, उसे मैंने कहीं देखा है? सर, ये सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ का अकाउंटेंट, ये वही है, मैंने इसे सिद्धार्थ के घर में देखा था, ये पेपर्स पे उनके सिग्नेचर ले रहा था। इसका नाम अरुण, अरुण है इसका नाम। अरुण की फोटोग्राफ सलोनी के साथ? और अमृता सलोनी और अरुण का फोटो क्यों खींच रही थी? अगर अरुण सलोनी से मिलता भी था तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हो सकता है अरुण सलोनी के प्लान का हिस्सा। इस अरुण से मिलते हैं, पता करते हैं अकाउंट्स के अलावा और क्या क्या जानता है ये। अरुण, 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 अभिजीत, श्रेया, किसने किया ऐसा? हाँ, कैसे हुआ ऐसा? कौन था? एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। अरुण, बोलो सर। हाँ सर, किसने गोली चलाई तुम पे? इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अरुण कोशिश करो, कोशिश करो। कौन कौन था वो? सर जी कौन सर? गुड मॉर्निंग सर, मैं सर ये सीआईडी से हैं। कहीं ये मिस्टर सिद्धार्थ की बात तो नहीं कर रहा? सिद्धार्थ सर जी, अभिजीत मैं सिद्धार्थ से जाके मिलता हूँ। चलते जाते हैं, मैं इसे हॉस्पिटल पहुँचाऊंगा। चलिए, कुछ नहीं होगा। रोड ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा है आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? कैसी शर्म, कैसा षड्यंत्र? मैंने किया ही क्या है इंस्पेक्टर साहब? इतना भोले बनने की जरूरत नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, हमें पता चल चुका है कि आपने अपनी बेटी सलोनी को मरवाया है। व्हाट नॉनसेंस! मैंने अपनी बेटी को मरवाया? मैंने? क्यों? क्योंकि आप तंग आ गए थे उसकी हरकतों से। आपके लाख मना करने पर भी आपकी बेटी सलोनी लंदन जाने की जिद कर रही थी। उसने अपना किडनैपिंग करवाया, रैंसम के तौर पे करोड़ों रुपए मांगे। आप ना तो उसे पैसे देना चाहते थे और ना ही उसके किडनैपिंग की वजह से सोसाइटी में अपनी इज्जत दांव पे लगाना चाहते थे, और इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ईयर बन गया क्रिमिनल ऑफ द ईयर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ की अपनी बेटी के साथ कभी नहीं बनी, लेकिन ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ कभी भी सलोनी को नहीं मार सकते। अच्छा, आप इन्हें बचाने की बहुत कोशिश कर रही मिसेस आगिनी, कई सारी फसाद की जड़ आप ही तो नहीं? Enough is enough. बहुत देर से देख रहा हूं आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? आपका अकाउंटेंट अरुण, जिसको आप उसी के घर में मार चुके हैं मिस्टर सिद्धार्थ। अरुण? अरुण की मौत हो गई? या, और बुरे नसीब आपके, आखिरी सांस लेने से पहले वो आखिरी शब्द बोल गया। सर जी, आपकी तरफ इशारा करके गया। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मेरा यकीन करिए, मैं तो वहां गया भी नहीं, ये मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कोई नहीं जाएगा, मैं देखता हूं। विनेश, श्रेया, इन पे नजर रखो।
Oh no. Stop. Vivek. Vivek. Huh? Huh? Pichhe. तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने तूने फू है तेरी जिंदगानी पे। तो हमने तो तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया और तुमने, शर्म मानी चाहिए तुम्हें। शर्म? किस बात की शर्म? मैं तुम्हारा भरोसा कमाने के लिए काम नहीं करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता हूं। ने बड़े बेईमान पर मैंने भरोसा किया। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। बहुत बड़ी गलती की है। बड़ा नमक हराम है तू। नमक हराम। नमक हलाल नमक हराम, ये सारे जज्बात पुराने हो गए मिस्टर सिद्धार्थ, पुराने हो गए। मैं तो सिर्फ पैसों का पुजारी हूं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। तुम्हारे वफादार सेक्रेटरी का रोल इसलिए अदा करता रहा ताकि एक दिन तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ कर सकूं। और ये सीआईडी वाले ये तो सिर्फ मुझे जेल भेजना चाहते हैं, समझ गए? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? सीआईडी को चैलेंज किया है तुमने, बहुत पछताएगा, भुगतना तो पड़ेगा ही तुझे। शट अप। पल मुझे नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा, आप सबको। काउंट डाउन बिगिंस, उल्टी गिनती शुरू। क्या लगा सीआईडी को झांसा देगा तू? सिद्धार्थ के घर के बाहर हमारा एक ऑफिसर 24 घंटे निगरानी दे रहा था। तुझसे कहा था मैंने, बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। मैं अमीर बनना चाहता था, मुझ में भी हुनर था, मुझ में भी काबिलियत थी, सिर्फ नसीब आजमाना था। सलोनी के किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था? नहीं सर, वो प्लान सलोनी का ही था। मुझे तो मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी थी? साहब, मेरी नजर सिद्धार्थ सर की प्रॉपर्टी होती है। अपने प्लान के मुताबिक मैं उनके पैसे धीरे धीरे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन इस बात का पता सलोनी को चल गया, फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो मेरा बांडा फोड़ देगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था,
तो उसमें अमृता को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अमृता के पास सलोनी के कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जिससे सलोनी बदनाम हो सकती थी। इसलिए तुमने और सलोनी ने मिलकर अमृता के डेड बॉडी को सलोनी के कपड़े पहनाकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि सबको ये लगे कि सलोनी मर चुकी है, है? और इस बात का फायदा उठाकर सलोनी लंदन चली जाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उसे कहीं और ही पहुंचा दिया। उसकी लाश को वहां बंगले में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस बंगले के बारे में किसी का कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा कि वहां लाश पड़े पड़े सड़ जाएगी और सारे सबूत खुद ब खुद मिट जाएंगे। और तुमने सबूत मिटाने के लिए अरुण को भी मार दिया, लेकिन अमृता की लाश हमें मिल गई और तुम्हारा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। इतना बड़ा प्लान बनाया तुमने, वो भी बहुत होशियारी से। दिमाग पे बहुत बोझ पड़ा होगा ना, थक गए होगे तुम। अब जेल में आराम ही आराम करना जिंदगी भर के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.